माहौलियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शेख रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान आइंदा 3 साल में दुनिया का गर्म तरीन खिता बन जाएगा। हम जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं इसको तब्दील करना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वफाकी वजीर शेरिन रहमान का कहना है कि मौसमी तब्दीली एक हकीकी खतरा है और इससे निमटने के लिए हमें तर्ज जिंदगी को तब्दील करना होगा। पाकिस्तान में दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है और हम अफ्रीका की तरह दुनिया के गर्म तरीन खत्ता बनते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े इदारे हैं ये अपना किरदार इस वक्त अदा करें। ये कोई हुकूमत अकेले काम नहीं करती है। इमिशंस कम करने, रिडक्शन करने, सस्टेनेबल गोल्स यानी देरपा काम करने, लोगों को इंक्लूड करना, जेंडर मिनिस्ट्री, ये सारे काम सब हुकूमत के नहीं होते। सारी दुनिया में क्लाइमेट गोल्स जो हैं, सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो हैं, हुकूमत सेट करती है और बिजनेसेस उनको पाए तकमील तक पहुँचाती हैं। हबीब बैंक के सदर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुल्क में फैसलों का फुकदान है। सियासी क्यादत को सोचना होगा कि मुल्क को किस जानिब ले जा रहे हैं। जेएसके चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर इब्राहिम का कहना था कि पाकिस्तान में रुपए की कदर